नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी के फ़ोन में फ़ोन पे होगा क्योंकि फ़ोन पे के जो डाउनलोडेड है वो प्ले स्टोर में 100 मिलियन से ज़्यादा है, यानी फ़ोन पे यूज़र जो है कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग फ़ोन पे को डाउनलोड किए हुए हैं और 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है कि फ़ोन पे को यूज़ करते हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग फ़ोन पे, और उनमें से आप भी एक जो है कि आपने आपके फ़ोन में आपका जो कि फ़ोन में भी फ़ोन पे का ऐप UPI ऐप डाउनलोडेड होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपके अपने फ़ोन पे से कोई भी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, यानी कि LIC का प्रीमियम या फिर जो भी आप इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करते हैं, तो कैसे आप अपने फ़ोन पे से जो या फिर इंस्टेंट जो है कि अपने UPI से आप जो कि इंस्टेंट उसको जो कि जमा कर सकते हैं। मान के आपको LIC का प्रीमियम जमा करना है तो बहुत से लोगों को पता नहीं, या फिर जो है उनको पता नहीं कि कैसे इंस्टेंट कर सकते हैं, और बहुत लोग जानते हैं उनको लगता है कि रिसीविंग कैसे मिलेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में एग्जांपल के लिए यहाँ पे LIC का जो प्रीमियम है वो मैं आपको लाइव यहाँ पे जमा करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन पे के UPI एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि जमा कर सकते हैं, साथ ही आप रिसीविंग भी इंस्टेंट आप ले सकते हैं, जिसके लिए आप अपने नज़दीकी जो इंश्योरेंस ऑफिस है आपको वहाँ जाना पड़ता है, या फिर LIC ऑफिस, या फिर जो है कि आपको अपने एजेंट को पकड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको जो कि लाइव में जो कि यहाँ पे LIC का जो प्रीमियम है वो यहाँ पे मैं आपको जमा करके बताने वाला हूँ लाइव, कैसे आप जो कि अपना फ़ोन पे से जमा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आपके फ़ोन में फ़ोन पे का एप्लीकेशन नहीं तो उसको जैसे आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसको सिंपली आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो सिंपल है, आपको कैसे अकाउंट वगैरह बनाओ आप सभी को पता होगा, और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप नीचे स्लाइड करेंगे बिल रिचार्ज एंड पे बिल में, तो आपको देखें यहाँ पे LIC का स्पेशल लोगो मिलेगा, या फिर अगर आप अदर प्रीमियम आपको जमा करना है तो आपको यहाँ पे जो कि इंश्योरेंस प्रीमियम करके आप यहाँ पे आइकन मिलेगा, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम में, तो जितने सारे यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम आप फोन पे में दिए हुए हैं यहाँ से आप अपना चेक कर लीजिएगा, आपका जो भी इंश्योरेंस पे होगा आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिंपली जो है कि हमको LIC का, जैसे मैंने आपको बताया कि LIC का मैं आपको लाइव यहाँ पे मुझे जमा करना है, तो मैं LIC का जो प्रीमियम वहाँ पे किस्त मुझे जमा करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेटेड LIC पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने का सिंपल कुछ नहीं, आपको यहाँ पे पॉलिसी नंबर जो है आपको एंटर करना है, और इसे के एग्जांपल के लिए यहाँ पे अपना पॉलिसी नंबर जो भी हमको यहाँ पे LIC का प्रीमियम जमा करना हुआ हम एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना पॉलिसी नंबर जो भी मुझे प्रीमियम जमा करना डाल दिया, थोड़ा सा यहाँ से मैंने हाइड कर दिया प्राइवेसी के लिए, और सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ईमेल आईडी। तो आपका जो ईमेल आईडी होगा आपका फ़ोन में जीमेल में चेक कर लीजिएगा, आपको पता ही होगा, आपको सिंपली आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना, या फिर किसी का जो भी आप जिस भी ईमेल आईडी पर रिसीविंग मंगाना चाहते हैं तो रिसीविंग कॉपी, तो आपको यहाँ पर अपना जो कि ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो भी आपका यहाँ पर डिटेल्स होगा, सिर्फ आपको यहाँ पर LIC नंबर डालना और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद जो भी आपका सारा डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर पॉलिसी नंबर, उसके बाद आपका नाम, पॉलिसी होल्डर नेम, उसके बाद जो भी आपका ड्यू डेट होगा, तो एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा 28/1/2020 है तो यहाँ पे शो करा, उसका जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे शो करेगा, आपको यहाँ पे अमाउंट एंटर करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे शो करेगा, और आपको यहाँ पे अमाउंट डालने का कहीं पे जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद पेमेंट मेथड नीचे स्लाइड करेंगे, और आप देख सकते हैं डेबिट फ्रॉम, यानी कि आपका जो पैसा कटेगा वो कहाँ से कटेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ डेबिट कार्ड पर क्लिक है। सिंपली आपका अगर फोन पे यूज़र है, अगर आपका फोन पे में आपका जो UPI से वेरीफाइड है, तो सिंपली आप UPI का पर क्लिक करेंगे, या फिर जो कि ऑलरेडी आपका होगा तो सिंपली आप क्या करें, आपको देख सकते हैं जितना रुपये भी आपको कटेगा आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर शो करेगा, यहाँ पे आपको जितने रुपये कटेगा टिक लगा होगा, या फिर अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से सिंपली हम यहाँ से भीम UPI से करेंगे, UPI से पेमेंट करेंगे, सिंपली यहाँ पे बिल पे के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपका 6 डिजिट का जो पिन होगा आपको वहाँ से 6 डिजिट का पिन एंटर कर देना है। यहाँ पर हमने अपना UPI पिन एंटर कर दिया, सिंपली आप यहाँ से ओके करेंगे, और ओके करने देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग, यहाँ पे बिल पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग में है, और यहाँ पे सेकेंड नहीं लगे, यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो प्रोसेसिंग में है यहाँ पे इंस्टेंट जो है आपका सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मेरा जो सेंडिंग पेमेंट रिक्वेस्ट में यहाँ पे चला गया, ये कुछ सेकंड में जो कि आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन मिलेगा, यहाँ पॉलिसी नंबर, आपको जो भी अकाउंट से पेमेंट कटा होगा, और एग्जांपल के लिए आप स्क्रीनशॉट बगल में देख सकते हैं, जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो वहाँ पर किस अपना जो किसके बाद आपने जो भी अपना ईमेल आईडी डाला होगा आप अपना ईमेल आईडी चेक कर, वहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में आपका रिसीविंग जो होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दिएगा, साथ ही जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको दबा करके बगल में
घंटी आएगा उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, साथ ही ऑल पे क्लिक करके सेलेक्ट कर दीजिएगा। और साथ ही यहाँ पे जो शेयर का आइकन है यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने व्हाट्सएप फेसबुक पे इस वीडियो को शेयर कर दें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।